सो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम फिर से खेल रहे हैं माइनक्राफ्ट सर्वाइवल स्काई फैक्ट्री। चलिए देखते हैं फिर आज इस वीडियो में। तो वैसे भी आज हम इस वीडियो में ऑटो स्टेप बनाने वाले हैं, जिससे ऑटोमेटिक कबलस्टोन जनरेट होगा, फिर ऑटोमेटिकली क्रश होगा, फिर ऑटोमेटिकली स्टीव से हमें नगेट या जो भी मटेरियल होते हैं वो मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में आगे क्या होता है। को मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, सबसे पहले हमें चाहिए ऑटो स्टीम बना लेंगे सबसे पहले हम, जो कि सबसे मेन है। तो इसके लिए हमें सिर्फ आयरन चाहिए और आयरन हमारे पास बहुत है। तो यहाँ से मैं अपने आज सारे सामान निकाल लेता हूँ क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से यहाँ से हम आयरन निकाल लेंगे, डायमंड, लैपिस, तो सबसे पहले हमें यहाँ पावर की और भी ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम लोग एडवांस पावर सोर्स बनाना पड़ेगा हमको, क्योंकि यहाँ पे पावर की बहुत कमी है। और ये अगर जो हम ये सब बनाएंगे तो उसके लिए हमें पावर बहुत चाहिए। तो सबसे पहले हम एडवांस सोलर पैनल बना लेते हैं, जो कि 6 बनेंगे। तो फिर बना लेते हैं 4, फिलहाल 4 बना लेते हैं, बाकी अभी और भी सामान बनाने हैं तो उसके लिए हमें लैपिस की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम इन्हें लगा देंगे। तो इनके लिए हमें बहुत ही बढ़िया कुछ है ही नहीं जिससे मैं लगाऊं, तो यहाँ से ये हमने वुड ले लिया है और अब वहाँ पे लगा देते हैं, ताकि हम इधर फिर हम ये वुड लगा देते हैं ताकि फिर यहाँ पे हम सोलर पे, जैसा कि आप देख सकते हैं, काम करने लगा है। तो अब हम सबसे पहले हमारे पास पावर का इंतजाम हो गया, तो हम जाके थोड़े कॉबल स्टोन जनरेटर बना लेते हैं। तो उनको ये रही 4, और इन बकेट्स में हम वाटर और लावा ले लेंगे। तो यहाँ पे मैंने लावा और वाटर भी बना कर रखा है, जो मैंने 2 ले लिया, 2 और ले लेता हूँ, ये 2 और आ गए। तो अब हम चलते हैं यहाँ पर कॉबल स्टोन जनरेटर बना लेते हैं। कॉबल स्टोन ले लेते हैं थोड़े से यहाँ से, यहाँ पे नहीं है, यहाँ हमारे पास ये जो हमारा पहला एपिसोड या फिर दूसरे एपिसोड में जो हमने कॉबल स्टोन लाया था, तो उससे हमारे पास ये बहुत सारे कॉबल स्टोन आते रहते हैं। तो यहाँ से हमने कॉबल स्टोन ले लिया, फिर हम चल के फटाफट से 2 कॉबल स्टोन जनरेटर बना देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं 2 कॉबल स्टोन जनरेटर हो गया। और ये जो आप ये देख रहे हैं, ये मैंने थोड़ा बहुत ऑफलाइन वर्क किया है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, थोड़ा सा मैंने प्लेटफॉर्म टाइप में बनाया और ये साइड में बॉल, क्या कि मैं नीचे नहीं कर जाऊँ, और ये थोड़ा सा ये हल्का फुल्का सा पैटर्न या फिर डिज़ाइन बोल सकते हैं इसको आप, ये बनाया मैंने। तो सबसे पहले फिर हम यहाँ पर इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए जैसा मैं इस प्लेटफॉर्म को थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। कॉबल स्टोन से थोड़ा सा और प्लेटफॉर्म को एक्सटेंड कर दिया, जहाँ पर वुड था वहाँ मैंने आगे की तरफ कॉबल स्टोन का यूज़ किया, क्योंकि ऐसे ही मेरा ये वर्ड यूज़ करने का मन नहीं कर रहा था सिंपल। तो हम कॉबल स्टोन जनरेटर को यहाँ पे ऐसे लगा देते हैं, और फिर हमें चाहिए क्रशर। तो हम क्रशर बना लेते हैं, साथ में ऑटो स्टीप भी बना लेंगे। तो क्रशर ओके, सो एक क्रशर बना लेते हैं। अरे मेरे भाई, एक ऑटो स्ट्रिप बना लेंगे हम लोग, और साथ ही साथ एक ये आते हैं ये बना लेंगे, जिससे ये हम इन्हें अपने हिसाब से डायरेक्शन दे पाए। तो गाइस, मैं ये जो कॉबल स्टोन जनरेटर है इनको एक लाइन में लगा देता हूँ, ताकि फिर कोई दिक्कत ना हो यहाँ पे मेरे को। तो हम इसे यहाँ पे लगा देते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे हम क्रशर लगा देंगे, फिर यहाँ पे ऑटो स्टीप, सो मे बी इट वर्क। तो यह गाइस, जैसा कि आप देखते हैं काम कर रहा है।
अब हम इस चीज़ को और अच्छे से करने के लिए यहाँ पे हम एक होपर लगा देते हैं और उसके बाद एक चेस्ट लगा देंगे ताकि ये प्रॉपर वर्क करने लगे। सो चल भाई चल जा, यहाँ पे हम एक होपर लगाएंगे। होपर ये हमने एक हॉपर बना लिया और इस हॉपर को अब हम यहाँ पे लगा देंगे, लेकिन उससे पहले हमें पहले यहाँ पे चेस्ट लगाना पड़ेगा। तो कुछ ऐसे करके यहाँ पे हम ब्लॉक्स लगाने के बाद यहाँ पे चेस्ट लगा देते हैं, दो चेस्ट। देन ऐसे इसे कनेक्ट करके हॉपर लगाते हैं तो मे बी इट्स वर्क। हाँ, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं आपको इस पे स्कैफोल्डिंग भी चढ़ के दिखा देता हूँ कि वहाँ से आ रहा है सामान कॉबल स्टोन, फिर यहाँ सैंड और ग्रेवल में कन्वर्ट हो रहा है, उसके बाद फिर इस होपर में जा रहा है और होपर से इस चेस्ट में जा रहा है। तो ये जो सामान मेरे को मिले, मैं इनको इन्हें यहीं रख देता हूँ, इन्हें मैं बाद में निकाल ले जाऊँगा यहाँ से, ताकि हमें एवरेज पता चल जाएगा ये कितना चल रहा है। सो जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये बहुत ही बढ़िया वर्क कर रहा है और हमारे पास पावर की भी कोई कमी नहीं है। जैसे देख सकते हैं, हमारे पास 66,000 पावर है और यहाँ पे ये हमारा कॉबल स्टोन जनरेटर भी बहुत बढ़िया तरीके से वर्क कर रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो फिर अब हम अगला देख लेते हैं कि आगे हमें क्या बनाना है इसी में, तो चलिए देखते हैं। सो ये गाइस, जो मैंने मशीन बनाई थी उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी कि इसके अंदर बार बार ग्रेवल आ रहा था, जैसा कि ये देख सकते हैं। तो इसका सॉल्यूशन मैंने ढूंढ लिया है, तो अब हम वही करने जा रहे हैं कि तो गाइस, इससे पहले जो मैंने ऑटो स्टीव या फिर सिस्टम बनाया था पूरा, वो वर्क नहीं कर रहा था प्रॉपर। मतलब वर्क तो कर रहा था, लेकिन जो उसके अंदर ग्रेवल या फिर कॉबल स्टोन या फिर सैंड ऐसी के ऐसी चली जा रही थी बिना ऑटो स्टीव से गुजरे हुए। तो इसके लिए मैंने सिंपली एक सॉल्यूशन निकाला है कि मैं सब चीज़ों को अलग अलग लगाऊंगा। जैसे कि यहाँ पे दो कॉबल स्टोन जनरेटर अलग लगाएंगे, दो क्रशर लगाएंगे और साथ ही साथ दो ऑटो स्टीव भी लगाएंगे, इससे कि इजी भी रहेगा और ये वर्क भी करेगा प्रॉपरली। और अब मैं बस यहाँ पे चेस्ट को अटैच कर देना है। तो पहले हम यहाँ से चेस्ट ले लेते हैं दोनों, अरे यहाँ पे मैं एक और ये लगा देता हूँ। उसका नाम क्या है? इसका नाम है, अरे ये मैग्नेटा ग्लेटर टेरा कोटा, पता नहीं जो भी चाहिए। तो इसको भाई चल जा यार, चले जा प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू। तो यार गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं, बहुत ही मेहनत और मशक्क़त के बाद मैंने ये फाइनली बना ही लिया है आखिर। और अब देखते हैं कि ये काम वर्क कर रहा है। देखिए, बिल्कुल प्रॉपर वर्क भी कर रहा है और इसके अंदर एक भी, यानी ये कॉबल स्टोन वगैरह नहीं आ रही है या ग्रेवल नहीं आ रहे हैं। सो यार गाइस, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।